हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 2 सितंबर 2024 और 2 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगी और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जहां निर्माण श्रमिक विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। यह पोर्टल राज्यों के BOCW कल्याण बोर्डों से प्राप्त आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के लिए केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल का नाम क्या है? रिसेंटली दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ पोर्टल वेयर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कैन रजिस्टर देमसेल्व्स टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ वेरियस स्कीम। द पोर्टल विल फंक्शन एज द सेंट्रलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कॉम्पिलेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा ऑब्टेंड फ्रॉम BOCW वेलफेयर बोर्ड्स ऑफ द स्टेट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोर्टल? फर्स्ट ऑप्शन है समाधान पोर्टल, सेकंड ऑप्शन है यूनिफाइड श्रम सुविधा पोर्टल, थर्ड ऑप्शन है नेशनल श्रम पोर्टल ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया जहां निर्माण श्रमिक विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। इस पोर्टल का नाम भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक प्रबंधन सूचना प्रणाली रखा गया है। यह पोर्टल राज्यों के BOCW कल्याण बोर्डों से प्राप्त आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के लिए केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के डेटा को मंत्रालय के ई श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत करने में तेजी लाएं ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशंस के रूप में विभिन्न योजनाओं तक पहुंच सक्षम हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत में वैश्विक संप्रति मूल्य सूचकांक में मुंबई दूसरे और नई दिल्ली तीसरे स्थान पर है जहां रियल एस्टेट की कीमतों में क्रमशः 13% और 10.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि बेंगलुरु में मामूली 3.7% की वृद्धि देखी गई है। वैश्विक स्तर पर कौन सा शहर 26% की वृद्धि के साथ नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष पर है? इन इंडिया मुंबई रैंक्ड सेकेंड एंड न्यू दिल्ली थर्ड इन द ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स हैव रिकॉर्डेड एन एनुअल इंक्रीज इन देयर रियल एस्टेट प्राइस एट 13% एंड 10.6% रिस्पेक्टिवली, वाइल बेंगलुरु हैज witnessed a modest 3.7% rise globally, which city has topped Knight Frank's Prime Global Cities Index with an increase of 26%? First option है Tokyo, second option है Berlin, third option है Germany, fourth option है Manila।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मनीला। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। मुंबई और नई दिल्ली में अचल संपत्ति की कीमतों में क्रमशः 13% और 10.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि बेंगलुरु में मामूली 3.7% की वृद्धि देखी गई है। वैश्विक स्तर पर मनीला 26% की वृद्धि के साथ नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स एक मूल्यांकन आधारित सूचकांक है जो दुनिया भर के 44 शहरों में प्राइम आवासीय कीमतों के उतार चढ़ाव पर नज़र रखता है। यह सूचकांक स्थानीय मुद्रा में नाम मात्र कीमतों पर नजर रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, डच ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? हु हैज वॉन दी डच ग्रैंड प्रिक्स 2024? फर्स्ट ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटल्ली ने, सेकेंड ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन ने, थर्ड ऑप्शन है मैक्स वेस्टेपेन ने, या फोर्थ ऑप्शन है लैंडो नॉरिस ने? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, डच ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लैंडो नॉरिस ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लैंडो नॉरिस ने जेंड वुल्ट में मैक्स वेस्टेपेन को हराकर डच ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। मैकलारेन के नॉरिस की खराब शुरुआत का सिलसिला जारी रहा और वे फार्मूला वन ग्रिड के सामने से लगातार छठे अवसर पर बढ़त बनाए रखने में असफल रहे, लेकिन 18वें लैप की शुरुआत में रेड बुल के वेस्टेपेन को पीछे छोड़ दिया और 22 सेकेंड से जीत हासिल की। फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने ग्रिड पर छठे स्थान से शानदार दौड़ लगाई और अंतिम पोडियम स्थान के लिए नॉरिस के मैकलारेन टीम के साथी ऑस्कर पियास्ट्री को पीछे छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत ने मालदीव के थुलुसधु में मरुहावा कप में रजत पदक जीता। मरुहावा कप किस खेल से संबंधित है? इंडिया वॉन दी सिल्वर मेडल इन द मरुहावा कप एट थुलुसधु मालदीव्स। मरुहावा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है सर्फिंग, सेकेंड ऑप्शन है वुसू, थर्ड ऑप्शन है स्विमिंग, फोर्थ ऑप्शन है आर्चरी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत ने मालदीव के थुलुसधु में मरुहावा कप में रजत पदक जीता। मरुहावा कप किस खेल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सर्फिंग में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने मालदीव के थुलुसधु में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम स्पर्धा मरुहावा कप में रजत पदक जीता है। फाइनल में जापान ने 58.40 के स्कोर के साथ बड़े अंतर से स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत ने 24.13 का स्कोर दर्ज किया। ताइपे 23.93 और चीन 22.10 क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले कमाली पी, अजीज अली, श्रीकांत डी और संजय सेल्वामणी की भारतीय टीम ने हीट टू सेमीफाइनल में 32.16 के कुल स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। ताइपे 29.70 के टीम स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि कोरिया गणराज्य उसी सेमीफाइनल में 27.74 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सलीम अल होस हैज डाइड एट द एज ऑफ 94। फर्स्ट ऑप्शन है पोलैंड, सेकंड ऑप्शन है ओमान, थर्ड ऑप्शन है ईरान, फोर्थ ऑप्शन है लेबनान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेबनान के। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का लंबी बीमारी के बाद 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अल होस 4 बार लेबनान के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बसंत राव चव्हाण का हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? बसंत राव चव्हाण पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 70, हु वॉज ही? फर्स्ट ऑप्शन है पॉलिटिशियन, सेकेंड ऑप्शन है राइटर, थर्ड ऑप्शन है एक्टर या फोर्थ ऑप्शन है जर्नलिस्ट। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, बसंत राव चव्हाण का हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिटिशियन थे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और हाल ही में नांदेड़ से सांसद चुने गए बसंत राव चव्हाण का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 2009 से 2014 तक नायगांव से विधायक रहे और 2021 से 2023 तक नांदेड़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC? फर्स्ट ऑप्शन है सौरभ गांगुली को, सेकेंड ऑप्शन है रोगर बिन्नी को, थर्ड ऑप्शन है अनिल कुंबले को या फोर्थ ऑप्शन है जय शाह को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जय शाह को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह ग्रेग मार्कली का स्थान लेंगे और 1 दिसंबर को कार्यभार संभालेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव का चुनाव निर्विरोध हो गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ था। 36 वर्षीय शाह ICC में के सबसे युवा प्रमुख होंगे। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा और उनके पास 3 और साल तक पद पर बने रहने का विकल्प होगा। शाह को अब BCCI का पद छोड़ना होगा जिस पर वे 2019 से हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, CDEC तिरुअनंतपुरम टेक्नो पार्क परिसर में मॉडल स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड द मॉडल इंडिगेनुअस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एट CDEC तिरुअनंतपुरम टेक्नो पार्क कैंपस? फर्स्ट ऑप्शन है अजीत डोवाल ने, सेकेंड ऑप्शन है जितेंद्र सिंह ने, थर्ड ऑप्शन है अमित साहा ने या फोर्थ ऑप्शन है एस कृष्णन ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एस कृष्णन ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सी डॉक तिरुअनंतपुरम टेक्नो पार्क परिसर में मॉडल स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। इस केंद्र में 2 वाट से लेकर भारी वाहनों तक के लिए विभिन्न एसी और डीसी फास्ट चार्जर होंगे और उद्योग के माध्यम से स्वदेशी ईवी चार्जर्स अनुसंधान विकास व्यवसायीकरण और विनिर्माण के साथ चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकीय तंत्र को उत्प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट 25 से 29 अगस्त 2024 को अगला विश्व जल सप्ताह आयोजित कर रहा है। इस जल सप्ताह का विषय क्या है? द स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट वर्ल्ड वाटर वीक ऑन 25 to 29 अगस्त 2024। वॉट इज द थीम ऑफ दिस वाटर वीक? फर्स्ट ऑप्शन है सेव वाटर, सेव लाइफ। सेकेंड ऑप्शन है सेव फ्यूचर। थर्ड ऑप्शन है ब्रिंगिंग बॉर्डर्स। फोर्थ ऑप्शन है सेव वाटर, सेव अर्थ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट 25 से 29 अगस्त 2024 को अगला विश्व जल सप्ताह आयोजित कर रहा है। इस जल सप्ताह का विषय क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिंगिंग बॉर्डर्स। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल अनुसंधान 25 से 29 अगस्त 2024 को अगला विश्व जल सप्ताह आयोजित कर रहा है। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों पर अग्रणी सम्मेलन है जो 1991 से हर साल आयोजित किया जाता है और इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल एक यह सशक्त विश्व वस्तु, राष्ट्रीय सीमाओं से परे जल संबंधी चुनौतियों से निपटने में वैश्विक सहयोग की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 26 अगस्त को। सेकेंड ऑप्शन है 27 अगस्त को। थर्ड ऑप्शन है 28 अगस्त को या फोर्थ ऑप्शन है 29 अगस्त को? जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस साल की थीम है दोस्तों, खेल एक समावेशी और स्वस्थ समाज के लिए एक सक्षम करता है। भारत सरकार के अधिकारियों ने 2012 में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की थी ताकि खेलों में उत्कृष्टता को मान्यता दी जा सके। इस दिन का चयन मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था, जिन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।